हेलो नेहा कक्कड़ जी, आप कहाँ पे हो? कहाँ इस समय डांस कर रही हो? क्या कर रही हो? कक्कड़ जी, क्यों दीवार पकड़ के खड़ी हुई हो? आए, मैं नहीं हूँ, बिल्लू नहीं है क्या? कुछ सोच के बोला होगा तुमने। बात नहीं है नेहा जी, मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। बिल्लू की जुबान कभी गलत नहीं होती है। मैंने देखा आपको, आप दीवार पकड़ के खड़ी हुई हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रात भर तन्हा रही, मैं तुझे मिस करती रही। अरे नेहा, तुम बिल्लू को इतना ज्यादा पसंद करती हो, रात भर तरसती रही हो मेरे लिए। आए, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बिल्लू का कभी कोई फैन हो सकता है इतना बड़ा। कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ आपके। फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। मम्मी से बता दो बिल्लू का फोटो है। मैं अपने मोबाइल में बिल्लू का फोटो रखती हूँ और किसी का थोड़ी रखूंगी, क्योंकि बिल्लू ही हमारा सब कुछ है। बिल्लू की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बाकी आगे सब कुछ बिल्लू संभाल लेगा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिल्लू घाटे में रहेगा, क्योंकि मर्द हमेशा घाटे में रहता है और औरतें हमेशा फायदे में रहती हैं, तो मेरा कुछ न कुछ घाटा तो होगा ही। देखो भाई, बिल्लू को इतना मत तरसाओ, इतनी अच्छी मुस्कान देके इतना मत तरसाओ बिल्लू, नहीं तो बिल्लू कूद भाग के आपके पास आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम सो जाओ आराम से, पूरी रात सो, सुबह बात करेंगे।